हेलो, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप? बस बहुत बढ़िया जी। कहाँ से बोल रहे हैं, कौन से शहर से? सर दिल्ली तो बोल रहे हैं जी, हरिनगर। अच्छा अच्छा अच्छा, बताइए क्या सवाल है आपका? लास्ट टाइम आप पूछना चाहते थे लेकिन नहीं आ पाया। एक्चुअली किसी इंस्टाग्राम पे भी नए ICN यूज करना नहीं चाहता। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, देखो कोई बात। बाकी मैं सर आपकी डाइट सारी फॉलो कर रहा हूँ और बिल्कुल सीरियसली। अच्छा अच्छा, हाँ जी। और अभी 15 दिन हुए हैं। अच्छा, और 15 दिन में जितना फर्क होना चाहिए था, नजर आना चाहिए था, वो आ भी रहा। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं सवेरे 5:15 उठ जाता हूँ। अच्छा। डेली की रूटीन है। अच्छा। उस टाइम मैं उठ के मतलब रात को ब्रश करके सो गए, मेरी रूटीन मतलब रात से स्टार्ट होती है। अच्छा। रात को मैं ब्रश वगैरह करके फिटकरी के पानी से कुल्ला वगैरह करके बिल्कुल फ्रेश लू करके मैं सो जाता हूँ। अच्छा। सवेरे उठते ही मैं थोड़ी सी कच्ची गरी खा लेता हूँ, क्योंकि सारा सलाइवा इनटेक हो जाए। अच्छा अच्छा, कभी वो नहीं खाई तो एक या दो खजूर खा लेता हूँ। अच्छा। उसके बाद मैं हॉट वाटर विद हनी। अच्छा। कभी ग्रीन टी बैग डाल लेते हैं, कभी नींबू डाल लेते हैं, मतलब चेंज कर करके वो डेली है, वो लेना ही लेना है। बहुत बढ़िया। उसके बाद मैं पार्क में लगभग घंटा एक वहां पे 1.5-2 किलोमीटर की सैर करके, आजकल पार्कों में सब में वो जिम वाली मशीन लगी है, उसमें थोड़ा वर्कआउट करके मैं अच्छी तरह पसीना बहा के मैं आ जाता हूँ। अच्छा अच्छा। आके मैंने नहा के थोड़ी पाठ पूजा करी और फिर मैंने 2 या 3 फल खा लेता हूँ। अच्छा। केला ले लिया, सेब ले लिया, आजकल बबू गोशा है वो ले लिया, मतलब कुछ भी ये करके मैं लेता हूँ। अच्छा अच्छा। उसके बाद फिर मैं 1 घंटे के बाद नाश्ता जो पंजाबियों वाला है फिर वो कर लेता हूँ। बहुत बढ़िया, ठीक है जी। हाँ जी। 11 बजे के आसपास फिर मैं 11:30-11 बजे या 12 बजे के आसपास फिर मैं एक बाउल उसकी सैलेड की ले लेता हूँ। अच्छा। और 2:30 बजे अपना लंच कर लिया। अच्छा जी। 2:30 बजे लंच करने के बाद फिर अपनी 16 घंटे की फास्टिंग रेडी है। अच्छा, बहुत बढ़िया। शाम को 5:30 बजे के आसपास मैं फिर थोड़ा सा सैलेड लेता हूँ और आजकल सब्जी में 3-4 टिंडे ले लिए, आधी आधी चुकंदर और 1 या 2 गाजर जो सैलेड वाली येलो होती हैं, वो गाजर को काट के सब्जी की तरह जैसे काटते हैं मैं उसे स्टीम करता हूँ। स्टीम करके मैं 7 बजे के आसपास उस पे काली मिर्च वाला नमक हल्का डाला और वो बॉइल्ड वो स्टीम करी हुई वो खा लेता हूँ। अच्छा, ठीक है जी। दोपहर में लंच के साथ अच्छा खासा दही लेता हूँ और उसमें फ्लैक्स सीड पाउडर वो मिक्स करके और उसमें थोड़ी तो वो भी सेनिमेन पाउडर भी वो डाल के वो ले लेता हूँ। रात के टाइम में ये मैंने रखी है, ये क्रिकलैंडर की है 1200 mg की, ये एक टेबलेट ये लेता हूँ रात को। अच्छा, ये क्या फिश ऑयल है? हाँ जी। अच्छा, ओमेगा 3 है। हाँ, यहाँ से उल्टा दिख रहा है ना। अच्छा ठीक है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो ये मेरी डाइट है, अगर इसमें कुछ मतलब और ऐड करना चाहिए तो वो मेरे को बता दो गुरु जी। आप सब कुछ तो ले रहे हो, देखो। अच्छा, मुझे आप ये बताओ, बॉइल्ड ये जो स्टीम्स वेजिटेबल खाने के बाद 1-1.5 किलोमीटर की सैर फिर करके फिर आ जाता हूँ, फिर अपना आके रेस्ट है। अच्छा, अब बहुत बढ़िया। 59 की एज हो गई, इसमें इतना कर लेता हूँ वैसे काफी है। आपको प्रणाम कर रहा हूँ सर मैं। देखो जितने ये लोग इस ये साइड पे आपको नजर आएगा मेरे यहाँ पे साइड पे और पूरे माथे पे था। अच्छा, फर्क है काफी। बाकी तो देखिए 15 दिन में जितना होना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। उससे लग रहा है कि भाई पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं भाई अभी। बाकी अच्छा, मुझे बताओ आप इतना कुछ कर रहे हो, आपको मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? बहुत मजा आ रहा है। पेट सर इतना हल्का है ना 16 घंटे की फास्टिंग पे। बच्चे साथ रहते हैं, बेटा है, बहू है, वो मेरे को कहते रहते हैं पापा वीकनेस आ जाएगी आ जाएगी। मैं कहा जब वीकनेस आ जाएगी कोई बात नहीं, बच्चा तो मैं भी नहीं, वीकनेस आएगी तो शुरू कर दूंगा। बिल्कुल। वैसे वेजिटेबल वगैरह खाने से अच्छा, ये चीजें जो मैं ले रहा हूँ मेरे को लग रहा है कि शायद थोड़ी सी कॉन्स्टिपेशन हो रही है। हाँ, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। देखिए जब भी आप ना ढेर सारे चेंजेस करते हैं ना अपनी बॉडी में, जी जी, तो बॉडी उस चेंजेस को एकदम से एक्सेप्ट नहीं करती है।
हो सकता आपको थोड़ा, हाँ हो सकता क्योंकि बॉडी को आदत ही नहीं है ना शुरू से जी, जी, लेकिन जी, हो सकता है तो बॉडी आपका डाइजेशन थोड़ा सा खराब हो जाए या कोई भी चीज आप पहली बार लोगे तो आपको मुश्किल आएगी, लेकिन जी, आपने जी, डटे रहना जो आप कर रहे हो करते रहो, जैसे आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो आप 16 घंटे की करते रहो, उससे आपको अंदर से आप ना स्वच्छ महसूस करोगे, कोकोनट वाटर ऐड कर लो खाली पेट वो पियो तो सब कुछ बढ़िया, बस आप बहुत बढ़िया कर रहे हो। एक्चुअली वाटर ना मैं वो अभी वो ले रहा हूँ मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी, कॉर्न सिल्क वाटर। अच्छा। कॉर्न सिल्क को बॉइल करके ना वो ले रहे हैं, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि शायद इस एज में आके थोड़ी प्रोस्टेट प्रॉब्लम हो जाती है कि शायद कुछ वैसा लग रहा था भाई, यूरिन जाने के बाद भी उसकी मतलब प्रेशर ऐसे लगता है कि अभी भी है। कई बार क्या होता है देखो, खाली नहीं हो रहा। हाँ, ज्यादा फाइबर भी खाओगे ना तो वो ज्यादा भी अच्छा नहीं होता, मतलब लिमिटेड सा ठीक खाओ, मतलब हर चीज को बैलेंस खाओ, कोई चक्कर नहीं, आप बहुत सही कर रहे हो। और आज अच्छा आपको प्रॉब्लम क्या थी, मतलब पिगमेंटेशन? पिगमेंटेशन यही थी बस, यही। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया। दोनों साइडों पे, हाँ जी ठीक है, माथे पे और दोनों साइडों पे यही रहती थी। आपकी तरह ही मैंने भी स्किन स्पेशलिस्टों के पास जा जाके बहुत दवाइयां ली, वो क्या करते हैं दवाई, उनकी दवाई से स्किन पतली हो जाती है और बंदे को लगता है हल्के हो गए यार, हल्के हो गए। हाँ जी हाँ जी, वो आप जैसे ही छोड़ोगे फिर वहीं की वहीं फिर आ गई। अच्छा बढ़िया, देखो आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी अच्छी है, आप डाइट भी अच्छी ले रहे हो, अब जो तीसरी चीज सबसे इम्पोर्टेंट है ना, आपको खुश रहना, जितना आप खुश रहोगे ना उतनी जल्दी ये चला जाएगा। अच्छा हाँ जी, तो टेंशन नहीं लेनी आपका, देखो 15 दिनों में थोड़ा इस उम्र में गुस्सा करके करना भी क्या है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो उम्र होती है ना, उम्र होती है एक नंबर है, आपको बताऊं। हाँ जी, मेरे ऐसे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो आप 60 साल के हैं और वो लगते ही नहीं कि 60 साल के हैं, क्योंकि एक तो पंजाबी हैं, गाय का दूध पीते हैं, घर की चीजें बनी हुई खाते हैं, देसी की खाते हैं। सर दिल्ली में रहने का सबसे बड़ा एक नुक्स यही है कि यहाँ पे दूध जो है एक वाइट लिक्विड है, पता नहीं। हाँ जी बिल्कुल, सही कहा आपने, हम सही कहीं से ले नहीं सकते, किसी पे ट्रस्ट करने का वो है नहीं। हाँ आप मदर डेरी का ले आए, अमूल का ले आए, जो मर्जी ले आओ, सब में मेलामाइन और यूरिया सब में ऐड है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, उनके जो फीचर्स हैं वो वाले तो उन्होंने सारे पूरे कर रखे हैं, अभी इतना फैट है, इतना ये है, वो है, वो सब कुछ है। हाँ जी, मगर असली है या नहीं है ये तो अब कह नहीं सकते हैं। आप घर का दूध बनाओ, कोकोनट मिल्क जो है ना सबसे हेल्दी। हाँ, मिल्क बनाता हूं, वो बनाता हूं, मगर वो रोज नहीं बन पाता। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मिल्क जो होता ना वो जो थोड़ा डिफिकल्ट होता फूड, लेकिन अगर जैसे आप सर वही है ना, मेरे को जो काम ये सब खुद करने पड़ते हैं। एक्चुअली क्या है कि एक साल पहले वाइफ एक्सपायर हो गई थी, तो मैं मेरे को ये काम खुद करने पड़ते हैं। सॉरी फॉर योर लॉस, बेटा है, बहू है, वो भी वर्किंग है, तो अभी बेचारे जितना कितना कर सकती है वो उतना करती है, ये काम खुद करने पड़ते हैं। अच्छा, तो डेली हो नहीं पड़ते, फिर भी मैं ये काम, फिर भी इस काम में बच्चे भी बोलते हैं कि आप जितने सिंसियर हो बहुत है ये। देखो आप जितना भी कर रहे हो ना, लोग उसका हाफ भी नहीं कर पाते आपको। मैं बताता हूँ, अभी मेरी अनुजी है, यूएस से है, वो 10 साल से पिगमेंटेशन था उनको, उन्होंने यूएस के बड़े बड़े डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाया और उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा, बस उन्होंने डाइट फॉलो की, वर्कआउट किया, 4 महीने में उनकी काया ही पलट दी। तो बस यही है कि मैं भी आपको आपको 1 महीने के बाद फिर दोबारा एक बार कॉल करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फर्क होगा। और मैं आपको अभी मैं पार्क से आके छत पे जाके 400 कपाल भाती और 100 लोम विलोम वो भी करता हूँ। जितने लोग देख रहे हैं इस वक्त, प्लीज सीखिए इनसे, सर से सीखिए, वो कितनी मेहनत कर रहे हैं और कितने खुश हैं, और उनको 15 दिनों में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट भी आया है। तो आप ऐसे ही बने रहें, टच में रहें, और आई एम श्योर मैं आपसे नेक्स्ट टाइम बात करूंगा, ऐसे ही खुश रहना आपने। ठीक है, और चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को बहुत कुछ मिला। सामने जब जिससे बात कर रहे थे उसको भी खुश रखते हैं। चलिए अपना ख्याल रखें जी, सत श्रीकाल। सत श्रीकाल जी, बड़ी खुशी हुई सर तुम्हारे ना गल करके। सेम सर, मैनू बहुत खुशी हुई, बहुत कुछ सीखने को मिला तानू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा मुझे सर से बात करके। पिछली बार सर मुझसे बात करना चाहते थे, मुझे बड़ा अफसोस हुआ क्योंकि इनसे बात हो नहीं पाई मेरी। अब मैं किसी नेक्स्ट शख्स को लाइव लेता हूं। सर प्लीज मुझसे बात करनी है, ठीक है, आप सवाल पूछ रहे हैं तो मैं सवाल, एक तो ना नेट का थोड़ा इश्यू रहता है, वो लाइव नहीं ले पाते हैं। Mm-hmm.